वंस अपॉन अ टाइम दूर देश में एक मॉनेस्ट्री थी, जहाँ पढ़ाई के लिए दूर दूर से मॉन्क्स आते थे। ये मॉनेस्ट्री जंगल के बीचों बीच थी और इसके पास ही एक शांत और सुंदर सा तालाब था। जैसा कि हर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होता है, मॉनेस्ट्री में भी कई रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो उस मॉनेस्ट्री में भी ऐसा ही था कुछ, जैसे टाइम पे जागना, साफ सफाई करना और सबसे ज़रूरी जो काम था, जो कि एक रिचुअल था, वो ये था कि कई कई घंटों तक मेडिटेशन करना, डीप मेडिटेशन करना। तो जब भी कोई नया मॉन्क एडमिशन लेता था, उस मॉनेस्ट्री में आता था, तो उसको एक सीनियर मॉन्क असाइन किया जाता था। जैसे कि होता है कि एक क्लास मॉनिटर होता है या फिर एक मेंटर होता है, तो उस तरीके से एक सीनियर मॉन्क नए जो जूनियर मॉन्क्स आते थे उनके साथ अलाइन कर देते थे, उनको असाइन कर देते थे, ताकि वो जो नए स्टूडेंट्स हैं या मॉन्क्स हैं, उनकी जो भी कोई परेशानी हो या कोई सवाल हो, वो जो सीनियर मेंटर है मॉन्क, वो उसे दूर कर सके। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद मी गौरव सिन्हा। इससे पहले कि आगे बढ़ें, ये जो कहानी है एक बुक जो कि मैंने हाल ही में पढ़ी है, जिसका नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, व्हाई योर थिंकिंग इज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ सफरिंग। तो ये और कुछ ऐसे ही कुछ और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, तो सोचा उन पर पॉडकास्ट एपिसोड एक बनाया जाए। तो बुक समरी भी हो जाएगी, एक कहानी भी और एक नया छोटा सा एपिसोड भी रेडी हो जाएगा। तो वापस लौटते हैं उस नए मॉन्क की तरफ, उस कहानी की तरफ। तो वो जो नया मॉन्क था, वो हर काम अच्छे से कर रहा था, पर एक दिक्कत उसे आ रही थी और वो थी मेडिटेशन। तो वो अपने मेंटर यानी सीनियर मॉन्क के पास पहुंचा और उसने बताया कि वो फोकस नहीं कर पा रहा है और मेडिटेशन से शांत होने की बजाय उसका गुस्सा बढ़ गया है और पेशेंस लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये बात सुन के मेंटर को थोड़ी हैरानी हुई और उसने पूछा कि चलो बताओ कौन है जो तुम्हें गुस्सा दिला रहा है। तो नए मॉन्क ने अपनी बात बतानी शुरू की और उसने बताया कि जब भी वो मेडिटेशन करता है, कोई ना कोई उसके आसपास या तो बात करने लग जाता है या फिर शोर मचाने लग जाता है, या फिर वहीं खड़े होके कुछ अपनी आपस में बातचीत करते हैं, उसे परेशान करते हैं, और जो भी वो जो आवाज़ें होती हैं या फिर बातचीत होती है, उससे वो डिस्ट्रैक्ट होता है। और जब वो इन सबको इग्नोर करके मेडिटेशन फिर से शुरू करता है, तो फिर कभी कोई उसको धकेल कर चला जाता है, या फिर चिड़ियों का शोर, तो कभी कोई बिल्ली वहाँ से निकलती है, और देखते ही देखते उसका गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगता है। तो जो मेंटर था, उसने उसे तसल्ली से सुना और उसे समझाया कि उसे खुद ही एक कोई तरीका खोजना चाहिए जो कि उसे उन सारी डिस्ट्रैक्शन से बचा सके। तो उसने नए मॉन्क को बोला कि तुम जाओ और देखो तुम क्या कर सकते हो, कोई अपनी मेडिटेशन पूरी करने के लिए एक उपाय तुम खुद ही ढूंढो, जो आंसर है वो तुम्हें खुद ही खोजना पड़ेगा। तो जो नया मॉन्क था, उसने दिमाग लगाना शुरू किया और उसने ऐसी जगह तलाश करनी शुरू की मॉनेस्ट्री के आसपास कि जहाँ कोई नॉर्मली कोई आता जाता ना हो, और वो वहाँ पे अकेले बैठ के शांति से मेडिटेशन प्रैक्टिस अपनी शुरू कर सके। और उसे वो जगह मिल भी गई। जो मॉनेस्ट्री थी, बिल्कुल उसके साथ ही एक बड़ा सा तालाब भी था। तो वो जगह उसको जो मिली, वो था तालाब का किनारा। तो नॉर्मली वहाँ पे कोई जाके बैठा नहीं करता था, सब के सब जो मेडिटेशन करते थे वो तो मॉनेस्ट्री का जो ग्राउंड था अंदर, वहीं करते थे। तो उसे लगा कि यार चलो ये अच्छी जगह है, यहाँ पे शांति रहती है, तो उसने वहीं पे जाना शुरू कर दिया। तो पहला दिन बहुत अच्छे से मेडिटेशन की, दूसरा दिन भी आया, कोई उसे डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा था वहाँ पे, और कोई शोर शराबा नहीं था, वो आराम से बैठ के घंटों तक मेडिटेशन कर पाया। अब वो खुश हो गया कि चलो अब उसे जो आंसर था, जो कि उसके मेंटर ने बोला था उसको खोज कर लाने के लिए, वो उसे मिल गया है। पर अभी जो उसकी खुशी थी, वो बहुत जल्दी गायब होने वाली थी। तो हुआ यूं कि जो तीसरा दिन जब आया और वो मेडिटेशन करने के लिए तालाब के किनारे गया, तो वो आँख बंद करके मेडिटेशन अपना कर रहा था डीपली, तो तभी ढेर सारे पक्षी आए और उन्होंने वहाँ आके छपा छप शुरू कर दी, तालाब में उन्होंने नहाना शुरू कर दिया। और फिर ये सब जब सुनाई दिया, तो जो अब शांत हो चुके थे हमारे जूनियर मॉन्क्स भाई साहब, उनका जो गुस्सा है फिर से सातवें आसमान पर पहुंच गया। अब वो दोबारा तो मेंटर के पास जा नहीं सकता था, क्योंकि गुस्सा फिर से आ चुका था। तो उसने फिर से दिमाग लगाया, और जिस दिन वो फिर से अगले दिन जब वो गया वहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए तालाब के किनारे,
तो उसे एक दूर एक नाव दिखाई दी तालाब के किनारे। उसने सोचा कि चलो अब एक काम करते हैं, इस नाव को लेके तालाब के बीचों बीच जाते हैं और वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ तो चलो किनारे पे कोई ना कोई आ जाता है या कुछ चांसेस हैं कि डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे हो सकती है, जैसा कि उसने एक दिन पहले ही फेस किया था, तो बीच में कोई नहीं आएगा। तो फिर उसने वही किया, वो अपनी नाव को लेके जाता था और बिल्कुल बीचों बीच में वहाँ पे उसको नाव को रोक के वहाँ पे वो घंटों मेडिटेशन फिर से शुरू कर दी उसने। चलो अब एक बार फिर से वो खुश हो गया। उसने 2-3 दिन अच्छे से मेडिटेशन की और यहाँ उसको लग गया, भरोसा हो गया कि यहाँ अब कुछ गलत नहीं हो सकता। तो वो मन ही मन प्लान बनाने लगा कि चलो अब चलते हैं, मैं अपने मेंटर से बात करेंगे और बताएंगे कि चलो उसको मैं बताता हूँ कि मैंने वो जगह खोज ली थी जहाँ पे कोई मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये वो सोच ही रहा था तो उसी दिन अचानक जब वो गया मेडिटेशन करने के लिए, तो वो आँख बंद कर मेडिटेशन कर ही रहा था तो अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई दी कि कोई एक नाव है जो उसकी तरफ बढ़ रही है, पानी की हलचल जो है, क्योंकि शांत जगह थी तो आवाज़ उसको महसूस हुई सुनाई दी। तो उसने आंखें खोली तो एक नाव तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब वो बौखला गया, अब उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया कि भाई तुझे दिखाई नहीं देता, कौन है जो इतने बड़े खाली तालाब में सीधा टक्कर मारने को तैयार है। तो वो चिल्लाने लगा कि भाई अपनी नाव मोड़ दो वरना टक्कर हो जाएगी। अब वो चिल्लाता रहा लेकिन जो दूसरी तरफ नाव थी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और वो आके उसने उसकी नाव से टक्कर मारी और तो उसके मेडिटेशन का दी एंड हो गया। और जो नया जो मॉन्क था हमारा स्टूडेंट, वो गुस्से में बड़बड़ाए जा रहा था। फिर अचानक उसने गौर से देखा तो जो नाव से टकराई थी उसकी नाव से, उसमें कोई नहीं था, यानी वो जो नाव थी वो खुद ही खाली नाव थी और वो खुद ही कहीं से बहती हुई आकर उससे टकरा गई थी। अब ये देखकर अचानक से उसका जो गुस्सा है वो छू मंतर हो गया। अब गुस्सा करे भी तो किस पे गए भाई, एक खाली नाव है जो उसके सामने है, उस पर वो कितना भी चीखे चिल्लाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई तो है नहीं उसको जवाब देने के लिए या कोई भी रिएक्शन देने के लिए। बस फिर क्या था, एक आकाशवाणी हुई, एक बिजली कड़की और उसको सब समझ में आ गया। मतलब जो भी डिस्ट्रैक्शंस थी वो उसकी रिएक्शंस की वजह से थी, वो सारी जो डिस्ट्रैक्शंस थी वो उस खाली नाव की तरह थी जो कि उससे आकर टकरा गई थी और वो पावरलेस थी, पर उसका खुद का जो रिएक्शन था वो उन डिस्ट्रैक्शंस को पावर दे रहा था कि आओ और मुझे गुस्सा दिलाओ। बस उस दिन के बाद वो वापस गया और मॉनेस्ट्री में ही मेडिटेशन उसने करनी शुरू कर दी अपनी प्रैक्टिस। और ये देखकर उसके मेंटर ने आकर उससे कहा कि भाई लगता है तुमने अपना जो आंसर है वो खोज लिया, कि मैंने जो तुमसे सवाल पूछा था कि कौन है जो तुम्हें गुस्सा दिला रहा है। और वो मुस्कुराया और जो हमारा जूनियर मॉन्क था जो कि अब गुस्सा काबू करना सीख गया था, वो भी मुस्कुराया। तो ये थी एक छोटी सी कहानी उस किताब में से। कविताएं कुछ एपिसोड्स में कम हुई हैं पिछले कुछ एपिसोड्स में, पर आने वाले एपिसोड में उसको कवर अप कर लेंगे और बाकी की कहानियां फिर कभी। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद गौरव सिन्हा।